हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा। आप सभी कैसे हो? आज की वीडियो स्पेशली बच्चों और पेरेंट्स के लिए होने वाली है और आप लोगों को 110% आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और आज मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ वो सब पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि हम हमारे बच्चों को टीवी और मोबाइल से कैसे दूर रखें। मैं यहाँ पे आज आपके साथ में वो शेयर कर रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कैसे पॉसिबल किया कि आरवी टीवी और मोबाइल से ज़्यादा कट रह सके, और वो चीज़ सक्सेस हो चुकी है। तो एक हफ्ते से वो हमारे घर में वो सामान आ चुका है, लेकिन सिचुएशन ये है कि आरवी उस बॉक्स को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके चक्कर में मैं ये वीडियो बनाने में इतना डिले हो गई। जी हाँ गाइज, आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ बच्चों से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ की। अगर वो चीज़ आपके घर में है तो आप लोगों को दोबारा ये शिकायत नहीं होगी, उल्टा आप शायद आप में से कुछ पेरेंट्स उस बॉक्स में से बच्चे को हटाने के लिए कुछ और चीज़ ज़रूर अल्टरनेट ऑप्शन रखोगे कि भी बच्चा अभी इस बॉक्स के पीछे पड़ा हुआ है और ये बॉक्स सारा दिन छोड़ता नहीं है, यही होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ इस बॉक्स के बारे में। जी हाँ, इस बॉक्स का नाम है मैग्नेटिक पजल स्क्वायर। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये बॉक्स 3 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है। कोशिश कीजिए कि अगर आपका बच्चा मेरी ही बेटी की एज का है और आप उसे थोड़ा बहुत टाइम इस बॉक्स को समझाने में लगा सकती हैं तो ही आप ये बॉक्स लीजिए, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर एक एज लिखी हुई है, एज 5 से लेके, लेकिन अगर आपका बच्चा मेरी एज का है तो भी वो इस चीज़ के साथ में खेल सकता है या खेल सकती है। अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो भी आप इसको करवा सकते हो। अगर आपका बच्चा माइंड से बहुत शार्प है और हमेशा अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें बनाता है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप अपने बच्चों को हमेशा इमेजिन करने दीजिए तो आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा क्या क्या बना सकता है। इसमें ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। ये यूज किया हुआ है इसलिए ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पैम्फलेट मिलने वाला है। इसकी मदद से आपका बच्चा सारा दिन में बहुत सारी चीजें बनाएगा। इसके पीछे भी है और ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक कैनवास, तो ये है वो मैग्नेटिक कैनवास, ठीक है। इसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ 5 डिफरेंट कलर के ये मिलेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। जब ये मेरे पास आया था तब कुछ इस तरीके के इतने बड़े बड़े मुझे 5 कलर्स मिले थे, ठीक है। ये सब छोटे छोटे हैं। आपको क्या करना है, ये इसमें इनमें मैग्नेट्स लगा हुआ है और आपके बच्चे को आप डिफरेंट तरीके के डिजाइन वगैरह इसमें बना के दे सकते हो आप, ठीक है। तो मेरी बेटी को ये टॉय कह सकती हूँ या एजुकेशनल, मैं अपने बच्चे को जो है बेसिक टॉयज वगैरह बहुत कम ला के देती हूँ क्योंकि आरवी का जो टॉयज में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मैंने नोटिस किया है। जैसे सॉफ्ट टॉयज हो गए या जो प्लास्टिक के टॉयज आते हैं, कार या गुड़िया, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही, जब वो 1-1.5 साल की थी, तब से ही मैं उसको एजुकेशनल टॉयज देने में बिलीव करती हूँ। और जितने भी चीज़ें मैंने उसको आज तक एजुकेशन के नाम पर ला के दी हैं उन सबका उसने भरपूर फायदा उठाया। तो ये बहुत अच्छे से जो है ये देखिए स्क्रोल हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे। आपका बच्चा अपने इमेजिनेशन से बहुत सारी चीज़ें बनाने वाला है, ठीक है। चाहे आप इसमें बच्चे को ए बना के दे दीजिए कि भैया ए ऐसे बनता है, ठीक है, आप ऐसे कर दीजिए बच्चे के साथ में, तो बच्चा आपको आराम से बोलेगा कि ये क्या है, ये ए है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका बच्चा जितना स्मार्टली इसको यूज करेगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इसको सीखेगा, ठीक है। तो मैं आरवी को सारा दिन में बहुत सारी चीज़ें इसके बिहाफ पे सिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना दिया ए, तो आपका बच्चा इजीली, आप भी अपने बच्चे के साथ में इसको लेकर टाइम पास कर सकते हो। और आपके बच्चे को अगर आप कोई होमवर्क भी दे देते हो इस चीज़ से रिलेटेड तो भी आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें से बना के सारा दिन टाइम पास कर सकता है। और इसको रिमूव करना भी उतना ही ईजी है। आई होप आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है और इसकी वैल्यू कुछ 299 या 300 समथिंग में है, और 300 के प्राइस में ये बहुत अच्छा पजल है उन बच्चों के लिए जो 3 साल के हैं, 3 साल से बड़े हैं, और 3 to 4 साल का जो बच्चा होगा उसे थोड़ा सा आपको ऑपरेट करना सिखाना होगा। 4 साल का बड़ा बच्चा बहुत ईजीली इसके साथ में इंगेज हो जाएगा। आपके बच्चे को बिल्कुल भी जो है बार बार मम्मी को तंग करने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से स्टैंड लगता है, ठीक है, ऐसे,
इसमें आपको चार, 1 2 3 4 ऐसे देंगे। आपको इस कैनवस को यहाँ पे सेट कर देना है और ये सब चीजें आपका बच्चा देख देख के बनाता रहेगा। जो प्रॉब्लम मेरी है, जो प्रॉब्लम आपकी है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं और हम सब मिलके एक दूसरे को हेल्प करके अपने बच्चों के लिए कुछ फायदे वाली चीज ले सकते हैं। जो चीजें आपको अच्छी लगती है आप मुझे बताइए, जो चीज मुझे अच्छी लगेगी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब चीजें जो है मैं अपनी बेटी की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। इससे अगर इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वारी अगर आपकी है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं आपके साथ में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूंगी। आप लोगों ने हमेशा मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर और लवली कमेंट्स एंड सपोर्ट। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।